हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक क्रीम का रिव्यू करूंगा जो कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्रीम जायकेटी। दोस्तों, ये जो जायकेटी क्रीम है, मैं इसका यूज़, डोज, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कंपोजिशन एंड वीडियो का एंड पे मैं इस जायकेटी क्रीम का रिव्यू करूंगा। ये जो जायकेटी क्रीम है, इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो ये जो जायकेटी क्रीम है, इसके ऊपर आपको एक कंप्लीट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो जायकेटी क्रीम है, ये 15 ग्राम और 30 ग्राम का ट्यूब में मिलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 ग्राम के ट्यूब के बारे में। तो ये 30 ग्राम का ट्यूब में मिलता है, कीमत है 186 रुपये। और इसे जो कंपनी बनाती है, कंपनी का नाम है जाइडस कैडिला, जो कि एक बहुत ही बड़ी और नामी कंपनी है दवा कंपनी में थे। तो ये इसका कंपनी, आप बात करते कंपोजिशन की, क्या इंग्रेडिएंट एंड केमिकल सॉल्ट से इस दवा को तैयार किया गया। तो ये जो जायकेटी क्रीम है, इसमें हमारा केटोकोनाजोल 2%, जो कि एक एंटी फंगल एजेंट है, जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका कंपोजिशन, आप बात करते यूज़ की, कहाँ कहाँ इस क्रीम यानी जायकेटी क्रीम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एक नंबर यूज़ किया हमारा स्किन फंगल इन्फेक्शन, दूसरा दोस्तों ये रिंग वॉर्म, तीसरा हो गया दोस्तों थ्रस, और चार दोस्तों ये हमारा एथलीट्स फुट। तो इन जगहों में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया इसका कुछ यूज़। आप बात करते डोज यानी क्रीम लगाने का नियम, और मैक्सिमम कितने दिनों तक क्रीम लगाएं ताकि दोबारा फंगल इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों, मैक्सिमम लोग वही गलती करते हैं, डोज में ही मिस्टेक कर देते हैं। दोस्तों, इसका जो क्रीम लगाने का नियम है, पहला एक महीना आपको लगाना है सुबह नहाने के बाद एक बार आपका अफेक्टेड एरिया पे, ठीक है। उसके बाद अगला दो महीना लगाना है सिर्फ रात को ऑन द अफेक्टेड एरिया। आपको जब जो वहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे अगर दाग मिट भी जाता है तो उसके ऊपर ही आपको लगाना है अगला दो महीने के लिए, तभी आपका ये जड़ से खत्म होगा। आपको दिखता है प्लेन हो गया, लेकिन वो अंदर में रह जाता है। उसको लगाते जाओगे तो वो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो ये होगी इसका डोज। आप बात करते साइड इफेक्ट, दोस्तों साइड इफेक्ट के रूप में आपको स्किन इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन, इचिंग ऑन द स्किन, स्वेलिंग ऑन द स्किन, इसे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट आपको दिखाई मिल सकता है, जो कि सबको नहीं तो करोड़ों या किसी अरबों एक ज्यादा को हो सकता है। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट, आप बात करते प्रिकॉशन यानी सावधानी कि प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इसका इस्तेमाल करें या ना करें। दोस्तों, एक लोकली अप्लाई की जाने वाला क्रीम है, इसलिए प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दोनों अवस्था में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये उसका सावधानी। आप बात करते रिजल्ट यानी इसका रिव्यू। दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि ये जो जायकेटी क्रीम है, ये जाइडस कैडिला का क्रीम है, तो इसका रिजल्ट के बारे में आपको सोचना नहीं। इसका रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही असरदार है फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो से आपको यही जानकारी देना था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।